Hello everyone, this is Aditya Keshavani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So here is a new update regarding ICT Mumbai 2021 application form is released ho chuka hai. Isme kya kya steps hai aapko form bharne mein, basic requirement kya hai, eligibility kya hai, last date kab hai, exam pattern kaise hoga, exam mein time kitna milega, jitni bhi ek ek details hai wo main aapko inform kar deta hu. Yahan main aapko ek ek step application form bhar ke dikha deta hu. प्लीज कोई मिस्टेक मत करना, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन चीजें सब हो रही हैं, तो आपको कुछ गलती होगी तो आप मेल वगैरह करोगे, पता नहीं रिप्लाई आता है कि नहीं. तो एक एक स्टेप को इजीली समझ लो ताकि कोई भी मिस्टेक मत करो. मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब इनका आप एडमिशन प्रोसीजर का पीडीएफ खोलोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे एडमिशन नोटिस 21 फॉर ऑल मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लीकेशन जो है रिलीज हो चुका है. देखो एम कैम, एम टेक, एम ई, एम एस सी. एम एस सी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का हो चुका है. ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फॉर 15 में. आज ही फॉर्म रिलीज हुआ है और इसकी लास्ट डेट कब है, 15 जून, मतलब एक महीने का आपके पास टाइम है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ शेड्यूल रिगार्डिंग ICT एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस प्रोग्राम एट ऑल 3 कैंपस एंड एडमिशन राउंड विल बी डिस्प्लेस ऑन ICT वेबसाइट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021. Applicants are required to visit ICT website from time to time related to update. देखो अभी तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन होगा. देखो बेसिकली क्या होता है कि ICT का जो पेपर होता है उनके 3 सेंटर जो 3 कैंपस है जनरली उसी में जाता है. अभी क्या उन्होंने बोल दिया है कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में क्लियर होगा कि कैसा पेपर होगा. मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन बुलाएंगे वो लोग. तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि आपका ऑनलाइन होगा. ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है. आप देख सकते हो यहाँ 3 सेंटर है, एक मुंबई, एक भुवनेश्वर, एक जलना. ठीक है, ये 3 सेंटर बेसिकली आपको है यहाँ पे अवेलेबल. अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे MCAM इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाले के लिए 30 सीट्स है. ये सारी रिक्वायरमेंट मैं MSc वाले स्टूडेंट को बेसिकली दिखाता हूँ कि यहाँ उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो MSc केमिस्ट्री बाई पेपर्स, यहाँ पे टोटल 20 सीट है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें क्या है एलिजिबिलिटी में BSc विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑनर्स ही होना चाहिए, इसका ये मतलब है आपके 6th सेम तक आपका केमिस्ट्री होना चाहिए. जो स्टूडेंट नॉर्मल BSc करते हैं जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों होता है तो वो एप्लीकेबल है. बिल्कुल ऐसा मत सोचेंगे कि यहाँ पे ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये. ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एट HCL, बेसिकली यहाँ पे आपका जो 12th में आपका मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है. अब कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर मैंने NOS से भरा था तो क्या वो एलिजिबल होगा. यस, आप एलिजिबल हो अगर आपका 12th NOS से मैथमेटिक्स है तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो. फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हो कि इनका भी सेम है BSc विद फिजिक्स एट थर्ड ईयर, बेसिकली आपका थर्ड ईयर तक फिजिक्स होना चाहिए. ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि BA BTech ओनली इफ इक्विवेलेंस कमेटी एट ICT रिकमेंडेड बेस्ड ऑन सिलेबस. मतलब BA BTech वाली स्टूडेंट भी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उनका अलग क्राइटेरिया है. ठीक है, मैथमेटिक्स का देख ले तो BSc विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से होना चाहिए. BA BTech वाली स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है. तो ये बेसिकली बात हो गई किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो भी इनका प्रोग्राम का एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दी. अब हम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हाँ क्या है, ऑल मास्टर प्रोग्राम लिस्टेड अबव ऑल फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर. ठीक है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एनी ऑफ द बैचलर डिग्री एज मेंशन्ड इन रिक्वायर्ड. ठीक है, ये सब कोई नहीं. यहाँ पे एक लाइन जो इम्पोर्टेंट लिखी, ऑल MSc प्रोग्राम, ये जो लिखे ऑल MSc प्रोग्राम आर 2 ईयर प्रोग्राम्स फॉर सेमेस्टर ओनली बाई पेपर्स, नो फेलोशिप. आपको यहाँ पे कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, ये पहले ICT ने क्लियर कर दिया. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है कि फॉर ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज लिस्टेड इन द टेबल द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री विद 60%. बेसिकली आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए. और आप कह सकते हो कि इन एग्रीग्रेड, मतलब ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए और इक्विवेलेंट CGPA, मतलब कि आपका 66+ CGPA मिनिमम होना ही चाहिए. अगर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हो, OBC SC ST वगैरह की, तो 55% पे भी आपका आप एलिजिबल हो यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हो कैंडिडेट डिजायरस फॉर अप्लाइंग इन डिफरेंट प्रोग्राम मस्ट अप्लाई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म. अगर आप सपोज BSc स्टूडेंट हो, अगर आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों में इंटरेस्ट है, आप दोनों देना चाहते हो तो दोनों दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, टाइमिंग भी शायद डिफरेंट होगी तो उसका सीन कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हो जाएगा. ठीक है, आपको लेकिन दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा.
और यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल स्टूडेंट के लिए 1000 फीस है, बाकी स्टूडेंट जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 है, ठीक है। और पेमेंट ऑफ दिस फूड पेमेंट ऑफ दिस फी शुड बी मेड ऑनलाइन, ठीक है। और क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेम फॉर्मेट एमटेक वाली स्टूडेंट के लिए भी इतना। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म पे जंप कराता हूँ कि फॉर्म पे क्या क्या चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। सो यार मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर चुका हूँ। इससे पहले क्या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना मेल आईडी, अपना नेम और जो भी आपका डिटेल्स बेसिक डिटेल्स है, आपके मेल पे पासवर्ड जाएगा, देन एंटर करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिख रखी हैं, उसको पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कह रहा है कि इनकेस आपने क्या है, अगर आप जनरल स्टूडेंट आपने ओबीसी डाल के अगर आपने कुछ भी डाल दिया गलत और उसके बाद आप ओबीसी कैंडिडेट की फी पे कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आगे चल के। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पीजी कैंडिडेट मस्ट आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। अभी आईसीटी ने क्लियर नहीं कर रहा कि आपका एग्जाम कब होगा, कौन से मोड पे होगा, ठीक है। इतना है कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। टाइम टेबल फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू एनी चेंजेस इफ एनी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एडमिशन टू हॉस्टल इज एज पर द रूल लेड डाउन एंड द कोटा फॉर वेरियस कोर्सेज, ठीक है। वो तो सब तो डिफरेंट आगे चल के। यहाँ पे और क्या देख सकते हैं हम कि कैंडिडेट अप्लाई टू एनी कैंपस इज एलिजिबल फॉर ऑल कैंपस, आप यहाँ पे किसी भी कैंपस के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड कोर्स इज अवेलेबल, दे नीड नॉट अप्लाई सेपरेटेड टू, बेसिकली आपको यहाँ पे सेपरेट जैसे तीन कैंपस यहाँ पे हैं तो आपको तीनों के लिए डिफरेंट नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 स्टेप का बेसिकली फॉर्म है, तो फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन, ये सारा जो है मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, सारी मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे क्या, आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका नेम है, उसके बाद आपका कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे नेम जो होगा वो 10th और 12th में आपके जो है वही नेम आपको मेंशन करना है अपना, ठीक है। मदर्स नेम अपना मेंशन करना, ब्लड ग्रुप जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ, अपलोड इमेज अपनी कोई भी प्रोफाइल की इमेज अपलोड करनी, डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अपलोड अपना सिग्नेचर, मैरिटल स्टेटस, ये सब अपना देख लेना, ठीक है। आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें आप खुद से कर लोगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल देख लेना, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लगेगा अपना। कास्ट एक होता है और एक होता है सब कास्ट, तो दोनों डिफरेंट होता है। आप अपना जो भी आपका बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड आप डाल देना। रिलीजन हिंदू, अदर नोन आपको जो भी और नोन लैंग्वेज होगी वो सब अप्लाई कर देना। एडमिशन कोटा टाइप आपका जो रिजर्व कैटेगरी, तो जैसा ये सब मेरा था। यहाँ पे 10 स्टेप का फॉर्म है, मैं फॉर्म फिलअप भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी आपके लिए फिल करके दिखाता हूँ, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलते हैं, देखते हैं क्या है। सेकेंड स्टेप जो थर्ड स्टेप है आपका बेसिकली, उसमें आपको अपने पेरेंट्स के डिटेल्स देनी है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स का ईमेल, मदर ईमेल आपका नहीं, अगर इनके सबके फादर ईमेल तो आप अपना सेम ईमेल डाल देना है, कोई डिफरेंट ईमेल डाल देना, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देना। मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट अगर आगे चल के क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स मांग रहे मुझे फिलअप करना पड़ेगा, मैंने वैसे देखा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद आपका गार्जियन डिटेल, उसमें भी यही आपसे फादर जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो सब होगा। उसके बाद आपको 10th का अपना मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, देन 12th का स्पेसिफिक ग्रेजुएशन, आपका जो भी ग्रेजुएशन की डिटेल है वो सब। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स में आपको जो भी शायद देखो मांगा होगा जैम में, अगर आपका जो भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उससे रिलेटेड, ठीक है। कैंपस प्रेफरेंस में आपको बेसिकली तीन कैंपस है आपको, जैसे मैंने बताया पहला बॉम्बे का है, देन उसके बाद भुवनेश्वर, देन एक और जो है वो वाला जो एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद है, आप देख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस सही से भरना, अगर आपको मुंबई का कैंपस चाहिए तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस में देना, अदरवाइज आपके क्या प्रेफरेंस अगर आपने गलत भर दिया तो उसके बाद आगे चल के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो सब लगेगा, पेमेंट एड्रेस, पेमेंट डिटेल कर देना। आई थिंक इस फॉर्म में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किसी को कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न टाइप की चीजें बता देता हूँ। ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आईसीटी मुंबई का, मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें सारी चीजें बताई थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वालों का सिलेबस दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो अगर सिलेबस की बात करो तो ये एमकेएम के लिए है, हमको एमएससी के लिए देखना, तो मैं आपको एमएससी का दिखा देता हूँ कि एमएससी में क्या क्या चीजें सिलेबस में है उनके। देखो मैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट का दिखाता हूँ, फिजिक्स वाले भी ऐसे नीचे आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का हो गया, मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ये हमारी कोई काम का नहीं है। कहाँ चला गया,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमएससी केमिस्ट्री वाले की बात करें, फिजिक्स मैथ्स का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक आर का आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसका देख लेना। यहाँ सब पीरियोडिक टेबल जो आपने जैम में पढ़ा है सिर्फ उतनी चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद यहाँ पे नहीं है, तो आप उनको एक बार सिलेबस को एनालिसिस करो, देखो कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं अभी उसके लिए मत पढ़ो। अगर आप आईसीटी के लिए अलग से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आईसीटी चाहिए, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि जो जैम का सिलेबस है उससे काफी हद तक मैच करता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इसमें नहीं आते जो लेकिन जैम में आते, तो वो सारी चीजें आप एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री स्टूडेंट की थी। अब मैं आपको फिजिक्स स्टूडेंट का दिखा देता हूँ सिलेबस फॉर एमएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ये फिजिक्स स्टूडेंट का आप देख सकते हो, उनका भी सेम यही है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 आवर क्लासिकल मैकेनिक्स स्टैटिकल फिजिक्स, ये सब उनका सिलेबस। में इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप ओपन करके देख लेना। किसी को और कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो कमेंट में बताना, ठीक है, वो फिर हम देख लेंगे। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।